दोस्तों आज का जो फाइनल मैच है गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम को 8 बजे से खेला जाएगा। तो एक तरफ जहां होगी राजस्थान की रॉयल्स तो दूसरी तरफ वहां होगी गुजरात की टाइटंस, जो कि जिनका वह है होम ग्राउंड पे, उनको ज्यादा सपोर्ट भी मिलने के चांसेस भी, क्योंकि गुजरात में ही मैच खेला जाएगा। तो जाहिर सी बात है आज के फाइनल मैच में जो ग्राउंड में जो स्टेडियम में जो सपोर्ट मिलेगा वो गुजरात में सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। लगभग 60-70% जो दर्शक आएंगे वो गुजरात के ही सपोर्ट में आ सकते हैं, क्योंकि गुजरात में मैच खेला। तो आज के फाइनल मैच में किसी भी टीम को हम कमजोर नहीं कर सकते, ना ही किसी टीम को एक तरफा स्ट्रांग कर सकते हैं कि आज ये टीम आसानी से फाइनल मैच जीत लेगी और ट्रॉफी जीत जाएगी। क्योंकि एक जो गुजरात की टीम है, गुजरात ने भी लीग मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई यहाँ तक कि प्लेऑफ में क्वालिफायर एक में राजस्थान को हराई थी। लास्ट ओवर में डेविड विलियन 3 छक्के मार के एक तरह से जीता जिताया मैच राजस्थान को मीट जीत रहे थे, लेकिन डेविड विलियन ने उनके जबरदस्त जीत छीन ली थी। तो इस तरह से दोनों टीमें काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप बैटिंग के मुकाबले में बात की जाए तो बैटिंग के मामले में राजस्थान की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि राजस्थान के पास जोश बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पनिकल, यशस्वी जायसवाल और सिमरन हिटमार, यहाँ तक कि अश्विन भी बैटिंग कर लेते हैं। काफी ज्यादा लंबी बैटिंग राजस्थान के पास है और राजस्थान के पास काफी ज्यादा जो हीटर बैट्समैन है जो ज्यादा सिक्स लगाते हैं। एक तरह से बैटिंग के मामले में राजस्थान की काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई, तभी स्ट्रांग राजस्थान की बैटिंग में जब जोश बटलर चलेगी तब। अगर जोश बटलर अगर पहले या दूसरे ओवर में आउट हो जाते हैं तब राजस्थान की टीम नैया डूब सकती है, राजस्थान की टीम 150 रन के ऊपर डाकना मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान की पूरी बैटिंग जो है, राजस्थान की जो जीत का परसेंटेज होता है पूरा जोश बटलर के ऊपर निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर गुजरात के बॉलर जो मोहम्मद शमी है, राशिद खान है, जाली जोसफ है, जो और जो एक दो नए बॉलर है, अगर ये सब बॉलर अगर राजस्थान के ओपनर जोश बटलर को होगा 3 से 4 ओवर के अंदर आउट कर लेते हैं, किसी तरह से फंसा लेते हैं, 4 से पावर प्ले के अंदर ही आउट कर लेते हैं तो सही है। अगर जोश बटलर अगर 4 ओवर तक खेल जाते हैं, भले स्टार्टिंग में आप लोग देखेंगे वो 4 ओवर 24 15 रन भी बनाएंगे, लेकिन अगर वो 4 ओवर खेल जाते हैं तो फिर जोश बटलर को आउट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके पहले मैच में मैंने RCB के खिलाफ बोला था, अगर RCB के गेंदबाज जो हर्षल पटेल, जोश हेजलवुड, ये सब बॉलर अगर जोश बटलर को आउट कर लेते हैं 4-5 ओवर के अंदर तो जोश बटलर जो है कि लंबी नहीं खेल पाए, लेकिन ये सब आउट नहीं कर पाए तो जोश बटलर सेंचुरी मार देता। वो आज के मैच में भी कह रहा हूं, अगर जोश बटलर को अगर आउट करना है तो 4 से 5 ओवर में गुजरात वाले किसी तरह से उनको आउट कर ले, किसी भी तरह से सोलो बॉल डाल के, या फिर नहीं तो जोश बटलर आज के मैच में भी, जोश बटलर हमको लग रहा है कि आज के मैच में जोश बटलर पक्का सेंचुरी फिर मारेगा। दोस्तों जोश बटलर ऐसा प्लेयर है कि ये कभी जल्दीबाजी नहीं करता, ये बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं जाते हैं एक तुरंत छक्के मारेंगे फिर अगली गेंद पे, ये हर गेंद को हर तरफ से खेलता है। अगर ये पुल शॉट खेलता तो पुल शॉट खेलेगा, अगर गेंद को अगर अच्छी गेंद है तो उसको गेंद को सम्मान देता है, अगर स्ट्रेट डाल तो स्ट्रेट डाल, मतलब हर एक गेंद को खेले, कभी कभी मैडम ओवर खेले तो कभी कभी एक ओवर 3-4 छक्के भी चढ़ते, मतलब हर एक तरह का प्लेयर है। सिक्स भी मारता है, फोर भी मारता है, कवर ड्राइव भी मारता है, कलाई वाले शॉट मारता है, अपर कट भी मारता है, हर एक शॉट इसके अंदर है और हर एक ग्राउंड के चारों एरिया में शॉट खेलता है जोश बटलर। इस सीजन में जोश बटलर के बल्लेबाजी में काफी प्रभावित हुआ और इसने काफी ज्यादा अपने फैन बेस भी बना लिया है इंडिया में, इसको इंडिया वाले इतने ज्यादा इसको जोश द बॉस नाम भी दे दिया गया है। इस तरह से आज का फाइनल जो मैच है, इस तरह से जोश बटलर वर्सेस गुजरात के बॉलर, यहाँ पर मैं राजस्थान के और बल्लेबाजों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और ऐसे बल्ले, क्योंकि अगर मैं संजू सैमसन की बात करता हूँ, संजू सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज, उनको हम कह नहीं सकते कि वो लंबी इनिंग खेलेंगे, क्योंकि संजू सैमसन आएंगे अब ऐसी बात नहीं कि वो खेल नहीं सकते, उनके पास कैपेसिटी है, लेकिन वो एक तरह से होता है ना, वो हड़बड़ाहट होता है एक तरह से, ये सब ऐसे बैट्समैन आएंगे हड़बड़ा जाएंगे। अगर संजू सैमसन जैसे बैट्समैन को अगर 3-4 गेंद डॉट निकाल देते ना, ये सब 5वीं गेंद में कितनी भी अच्छी गेंद है उसको डॉट नहीं खेलेंगे, किसी तरह से उसको छक्का मारने की कोशिश करेंगे तो छक्का नहीं जाएगा, तो कैच आउट हो जाएंगे। आप लोग देखते हो संजू सैमसन जितनी बार भी आउट होता है ज्यादातर आगे वो कैच आउट ही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, संजू सैमसन की इतनी कैपेसिटी है कि संजू सैमसन अगले दम मैच जाने की कैपेसिटी रखता है। और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को भी अच्छी शुरुआत देनी होगी, क्योंकि पिछले मैच में जो क्वालिफाइड टू मुकाबला उसमें यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज के बॉल पर 2 छक्के और 1 चौके जड़ के 16 रन लेकर काफी अच्छी शुरुआत दे दी थी राजस्थान का, और वहीं से राजस्थान का बेस बन गया था जीतने का। इस मैच में भी अगर राजस्थान को अगर फाइनल मैच जीतना है, 13 साल बाद में ट्रॉफी जीतना है, तो यशस्वी जायसवाल को भी पहले ही ओवर से काफी अच्छा शुरुआत देनी होगी। पहले दूसरे ओवर राजस्थान का विकेट गिर जाता है तो वहां पर एक दबाव बन जाएगा, फिर संजू सैमसन आएंगे, फिर जोश बटलर आएंगे, फिर संजू सैमसन भी स्टार्टिंग में संजू सैमसन आ जाएंगे दूसरे तीसरे ओवर, वो भी धीरे खेलने चक्कर में आउट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बैट्समैन वो हीटर बैट्समैन है, अगर उनको तेज खेलते रहे तो सही रहेगा। वहीं हम बात करें गुजरात टाइटन्स को, उधर धीमान शाह एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, इनके पास फाइनल में पहले भी खेलने का अनुभव है। आप लोगों को याद होगा IPL 2014 के फाइनल में KKR खिलाफ पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने आया तो काफी अच्छा इनिंग खेला, शायद लगभग 100 सेंचुरी साल लगाए थे, तो इनके पास एक मौका है कि फाइनल में कुछ अच्छा कर सके। तो सुमन गिल भी सही बैट्समैन, लेकिन ये सुमन गिल ऐसे बैट्समैन है कि सब बैट्समैन क्या होते हैं सेट होने के बाद आउट नहीं होते, तो ये ऐसे बैट्समैन है कि ये सेट तो हो जाते हैं 30-35 रन बना ले, 22-30 रन बना ले, तो ये सेट होने के बाद आउट हो जाते हैं, इनकी यही प्रॉब्लम है। और ये इस सीजन में
दो तीन बार तो एक दो बार ये रन आउट भी हो चुके हैं, तो आज के मैच में इनको भी संभाल के खेलना होगा। इनको इनके तो सुमन गिल के सामने उधर प्रसिद्ध कृष्णा टेंट बोल्ट जैसे बॉलर होंगे, मकाली से बॉलर होंगे। स्पिनर की बात करें तो अश्विन और चहल जैसा स्पिनर के पास राजस्थान के पास, तो यहीं पर फिर गुजरात के पास राशिद खान जैसा बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर है। तो दोस्तों आज का मैच जो होगा काफी ज्यादा मुकाबला देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर हम दोनों कंपेयर करें वन डाउन बैट्समैन की, तो वहाँ पर राजस्थान के जो वन डाउन बैट्समैन है संजू सैमसन, गुजरात टाइटंस के जो वन डाउन बैट्समैन है वो है मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ऐसे होते हैं। ऑस्ट्रेलियन मैच जो फाइनल मैच होता है उस मैच में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जरूर चलते हैं। आप लोग अभी देखे होंगे फाइनल मैच खेला गया था जो ऑस्ट्रेलिया का, उस मैच में मैथ्यू वेड थे जो हराए थे सेमीफाइनल में जो पाकिस्तान खेला था उनकी धज्जियां उड़ दिए थे। तो इस मैच में मैथ्यू वेड को चलने की उम्मीदें हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि आज का फाइनल मैच में रिद्धिमान साज होगी, बस 20-25 रन बना के आउट हो जाएंगे और मैथ्यू वेड आएंगे और एक अच्छी इनिंग खेलेंगे। हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आज का मैच में मैथ्यू वेड कुछ नया करने वाले हैं। और वही पे बात की जाए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के पास, मिडिल ऑर्डर यहाँ पे हमको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि राजस्थान के पास मिडिल ऑर्डर में देवदत्त पड़िकल, शिवानंद टिमार जैसे बैट्समैन है। देवदत्त पड़िकल जो है कि बहुत क्लासिकल शॉट खेले हैं, एक तरह से देवदत्त पड़िकल जो है कि तो जल्दीबाजी नहीं करते हैं। मतलब अगर आप पारी को अगर संभालना हुआ, अगर आप विकेट नहीं गवाना, तो देवदत्त पड़िकल जो है कि हर एक शॉट को सोच समझ कर खेलते हैं, जैसा शॉट होता है और तेज भी खेलते हैं स्लो भी करते हैं लेकिन विकेट नहीं देते हैं जल्दी। और वहीं पर शिवानंद टिमार की बात करें, शिवानंद टिमार एक ऐसे बैट्समैन है जो कि पावर हिटर बैट्समैन है। अगर अगर लास्ट में अगर राजस्थान को जो 3-4 ओवर में इससे मान लो 40-45 रन चाह रहा है, तो उस टाइम पर अगर सिमरन हिटमार आते हैं तो राजस्थान टीम को जिता देंगे, क्योंकि सिमरन हिटमार जो है कि काफी ज्यादा हिटर बैट्समैन है और काफी इस सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है सिमरन हिटमार ने राजस्थान के लिए। काफी ज्यादा सिमरन हिटमार ने मैचेस बिताए, लेकिन जब सिमरन हिटमार ने ब्रेक लेके 2-3 मैच खेले हैं राजस्थान, तभी एक दो मैच से सिमरन हिटमार अभी अच्छा कुछ किया नहीं। शायद उम्मीद करता हूँ कि आज के मैच में सिमरन हिटमार एक अच्छी इनिंग खेलेंगे और राजस्थान टीम को जीत दिलाई। अगर वहीं पे गुजरात के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात की जाए, तो उनके पास डेविड मिलर जैसा एक आक्रामक बैट्समैन है जो कि लंबे लंबे छक्के लगाता है। आप लोग क्वालिफायर के मुकाबले में देखे ही होंगे राजस्थान के खिलाफ ही डेविड मिलर जबरदस्त 73 रन जबरदस्त इनिंग खेली थी और लास्ट ओवर में 3 छक्के लगाकर गुजरात को फाइनल में पहुंचाया था। तो आज के मुकाबले में डेविड मिलर वर्सेस हिटमार की भी जंग देखने को मिल सकता है मिडिल ऑर्डर में। अब वहीं फास्ट बॉलिंग की हम लोग बात करेंगे, फास्ट बॉलिंग के मुकाबले में तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा 15 भारी राजस्थान का लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन एक्सपीरियंस मामले में मोहम्मद शमी भी कम नहीं। मोहम्मद शमी दिमाग से बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद शमी विकेट लेने का जज्बा रखते हैं। मोहम्मद शमी हो गए, अलजारी जोसफ और फर्गुसन जैसे गेंदबाज हैं, फास्ट गेंदबाज है गुजरात टाइटंस वाले लोग, लेकिन वहीं पे राजस्थान रॉयल्स के पास प्रसिद्ध कृष्णा मोकाट टेंट बोल्ट जैसे बॉलर है। पिछले मैच में आप लोग देखे ही थे क्वालिफायर 2 के मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ प्रसिद्ध कृष्णा मोकाट ने जबरदस्त बॉलिंग किया, 3-3 विकेट दोनों लिया था। प्रसिद्ध कृष्णा ने विराट कोहली जैसे बैट्समैन को भी आउट किया था, लगभग 3 विकेट काफी कम रन भी खर्चे थे 4 ओवर। तो यहाँ पे काफी ज्यादा गेंदबाजी में मुकाबला देखने को मिल सकता दोनों टीम से। एक तरफ है जहाँ राजस्थान रॉयल्स के प्रसिद्ध कृष्णा वर्सेस प्रसिद्ध कृष्णा और टेंट बोल्ट, तो वहीं तरफ गुजरात टाइटंस वाले अलजारी जोसफ, फर्गुसन और मोहम्मद शमी जैसा एक्सपीरियंस बॉलर है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है आज के फाइनल मैच में कौन सा टीम जीत सकती है आप लोगों के अंदाज से? हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा 15 भारी हमको राजस्थान की तरफ लग रहा है, क्योंकि राजस्थान के पास इसलिए मैं बोल रहा हूं, राजस्थान के पास दो प्लेयर को जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि राजस्थान के पास जो प्लेयर है जोश बटलर को अगर गुजरात वाले आउट कर लेते तो राजस्थान तो नहीं जीत सकते। गुजरात के पास हार्दिक पांड्या ग्रुप में एक नया बॉलर भी है, वो बैटिंग तो जबरदस्त कर ही रहे हैं, अपने कप्तानी के ऊपर गुजरात को फाइनल तक पहुंचा दिए हैं। हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करके दिखा भी दिया, नाबाद रहे 40 रन नाबाद में बनाए थे। आज के मैच में हार्दिक पांड्या पर भी नजरें होगी, क्योंकि आज के मैच में देखते हैं हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते हैं नहीं करते, क्योंकि उनके एक्स्ट्रा बॉलर के रूप में हार्दिक पांड्या जाते हैं। और राशिद खान तो उनके ट्रंप कार्ड है, राशिद खान जो ऐसे बॉलर है भले वो 4 ओवर में रन नहीं देंगे, आप लोग देखते हो राशिद खान के ओवर में ज्यादा बैट्समैन मारते नहीं, उनके 4 ओवर में 10-12 रन ही बनते, ज्यादा 15 रन बनते, लेकिन उनके भले विकेट है राशिद खान तो किसी न किसी मैच, लेकिन वो बैट्समैन को दबाए रहते रन नहीं देते हैं। तो आज का मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, और आज का मैच जो खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, ये बहुत बड़ा स्टेडियम है। आज के मैच में लगभग 1 लाख से ऊपर दर्शक आने की उम्मीद है, लगभग पूरा स्टेडियम खचा खच भरा रहने वाला है। और जाहिर सी बात है आज का मैच में सपोर्ट मिलेगा जो स्टेडियम में दर्शकों के, तो गुजरात को ज्यादा मांगे क्योंकि गुजरात में मैच खेला जाएगा। दोस्तों आप सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं, गुजरात को कि राजस्थान रॉयल्स को? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा उसे देख। और मैं अपनी बात करूँ, मेरी आज की फेवरेट टीम है मेरी राजस्थान रॉयल्स मेरी फेवरेट टीम है, और मैं राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करता हूँ। तो दोस्तों आज के इसी इतना ही, बाकी हम लोग मैच की बात करते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।